नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जहां 20 कोरोना मरीज आए, वहीं बुधवार को 16 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दो दिनों में जहां 36 कोरोना मरीज आए हैं, वहीं दो मरीजों की मौत हो गई। सभी पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट कर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पूर्व प्रेषित जांच रिपोर्ट बुधवार को आई, जिसमें 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 20 वाहनी पीएससी बलरामपुर, निजामाबाद के हुसैनाबाद, रानिक सराय, बाजार खास जीएनपुर अजमतगढ़, लालगंज पुलिस चौकी लालगंज, मेहनगर के गोला बाजार, रसूलाबाद के पटना अहियाई, मेहनगर के वार्ड नंबर 8, अजमतगढ़ के नेवादा और जोलाहापुर में एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं जीएनपुर के हसन पट्टी में 4, मेहनगर के वार्ड नंबर 9 शास्त्री नगर में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस प्रकार अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 327 हो गई है, जिसमें कुल 112 एक्टिव केस हैं, 206 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 9 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।